तीन नंबर बात बोलती है तेरी आई, ये एक तरफ तेरी आई और एक तरफ मेरी। बाबा की बात रेडी, एक नंबर बात बोलती है तेरी आई, एक तरफ तेरी आई और एक तरफ ये बाबा की बाइक को। जवान इतनी तीखी है, खाना उतना ही तीखा है, खाने का मन नहीं करता उसके हाथ का मालूम। चलिए एक बात बोलू, आकाश है ना आकाश, तेरे हाथ का खाना खाएगा ना, एक नंबर प्यार हो जाएगा उसको तेरे खाने से, एक नंबर लगेगा उसको। अरे भुक्कड़ में एक नंबर का बावर्ची मेरा, वो एक बार वापस आएगा ना उसके होटल चलेंगे। जवाब तो दे, मैं सब चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, जवाब ही दे। हाँ, मुझे भी आकाश के। अरे एक नंबर बनाता है वो, बेचारा मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा भाई खुद का होटल खोलने के लिए। तू देख मेरा बावर्ची ना बहुत जल्दी तरक्की पाएगा जिंदगी में। इसका फोन भी आया था, फोन नहीं उठाया था ना, इसलिए उसने मुझे किया, पूछ रहा था गाड़ी के बारे में और उसने रोड के बारे में बात की मुझसे। अरे जबान जितनी तीखी है ना, खाना उतना फीका होती, खाने का मन नहीं करता। साहिली ने बनाया सचिन के लिए खाना तो सचिन हुआ इम्प्रेस। दोस्तों अगर हम बात करें स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो उड़ने की आशा के बारे में, तो जहां पे शो में एक तरफ हम बहुत सारा ड्रामा देख रहे हैं सचिन और साहिली के बीच में, वहीं पे दूसरी तरफ आप ये देखने वाले हैं सचिन के लिए साहिली खाना बनाती है और खाना देख कर सचिन काफ़ी खुश हो जाता है। जैसे ही सचिन खाना खाता है वो साहिली की तारीफ करने लग जाता है कि साहिली कितना अच्छा खाना बनाती है। सचिन जो है उंगलियाँ चाट कर खाना खाने लग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि सचिन जो है श्रेयस को टॉन्ट मार रहा है। वेल, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सचिन और साहिली की ये दूरियां कब खत्म होगी। फोन नहीं उठाया था ना, इसलिए उसने मुझे फोन किया, मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था और उनके बारे में क्या। अजय तेरे को फोन किया, अभी क्या करने का, पैसेंजर के साथ अटका था ना, मैं फोन नहीं उठा पाया उसका। क्या है ना, अगर कोई बाबा के पैसे लेके नहीं भागा रहता तो जिंदगी थोड़ी आसान होती, इधर सब गधा मजदूरी नहीं कर रहे होते। इसलिए बोलते घर का भेदी लंका ढाए, पैसा लेके भागा तो भागा, लौटाने की इतनी सी भी इच्छा नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई अब तक। भावड़ा बिल्ला फूक गया, खुद के लिए तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा पैसा लेके भाग रहे। देख 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 उसको, बरोबर मालूम है उसके बारे में बात हो रही है, पर कान में रुई डाल के बैठे ऐसा दिखा रहे। देख रे बाबा, देख देख, बरोबर मालूम है उसको उसके बारे में बात हो रही है, पर दिखाएगा ऐसे जैसे कान में रुई डाल के बैठा है, शाड़ा बन रहे। हाँ ये बात तो सही बोल रही, ये फुकटिया लोग पे क्या गुस्सा बर्बाद करने का, खाने का टाइम स्वाद बिगड़ जाते खाना खाते। चलिए और थोड़ा पवा दे, एक नंबर बनाती है तू, बहुत स्वादी, तुझे ऐसा अलग मसाला भी चला डालती है क्या? अगर बाबा के पास पैसे रहते और ये भगोड़ा वेला पैसा लेके भागता नहीं तो सबकी जिंदगी सुकून में चल रही रहती ना। ना मैं इधर गधा मजदूरी कर रहा रहता, ना उधर आकाश बेचारा लोन ले रहा रहता अपनी होटल के लिए, जिंदगी सुकून में, जिंदगी सुकून में चल रही होती सबकी। पर वो बोलते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, पैसा लेके भागा तो भागा, लौटाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, एक फुटी कौड़ी नहीं लौटाई आज तक। ये बात तो सही बोल रही, ये बात भी सही। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.